पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, फिर इमरान खान के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाएं। ऑपोजिशन आज तहरीक ले आए तो कल हुकूमत गिर जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बार फिर ऑपोजिशन जमातों को मशवरे, बोले पीपल्स पार्टी ना माजी में इशारों पर चली ना ही आइंदा चलेगी। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल ने कहा कि जो सनाउल्ला ज़हरी नून लीग में इनकलाबी था, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी में आने के बाद बुरा हो गया। पार्टी ना माजी में ना इंशाल्लाह ताला कल भी किसी इशारा पे चलेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल सनाउल्ला ज़हरी साहब की बात कर रहे हो, जब तक वो नून लीग में था तो वो उनके इनकलाब को बलूचिस्तान में लीड कर रहा था, और जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाता है तो वो बुरा बन जाता है। ये बड़ा नाइंसाफ़ी है। जब पी डी एम का जलसा क्वेटा में हो रहा था तो सनाउल्ला ज़हरी साहब को और जनरल कादर बलोच साहब की इंसल्ट हुआ, और उनको उस जलसा में दावत भी नहीं दी गई थी, और यही वजह बना। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर अपोजिशन सीरियस है, अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के ख़िलाफ़ फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। और जब भी ऑपोजिशन की जमातें संजीदा हो, जब भी ऑपोजिशन की जमातें माने कि वो पार्लिमानी और जमहूरी हथियार इस्तेमाल करते हुए अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। जहाँ तक एमक्यूएम की इस हुकूमत में कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शन जल्द आने वाले हैं, और कराची के अवाम एमक्यूएम को और पीटीआई को ऐसे उस इलेक्शन में अपने वोट के ताकत से जवाब दें और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे।